13.12। गोलीय सतहों पर परावर्तन। हमने पिछले अध्याय में परावर्तन के नियमों के बारे में जाना था। परावर्तन के ये नियम समतल सतहों के साथ साथ सभी प्रकार के वक्री सतहों पर भी लागू होते हैं। यदि हमें किसी वक्री सतह पर पड़ने वाले प्रकाश किरण का आपतन कोण पता हो तो हम परावर्तन कोण भी ज्ञात कर सकते हैं। आपतित किरण द्वारा सतह के अभिलंब से बन रहे आपतन कोण को ज्ञात करने के लिए हमें सतह पर अभिलंब को ज्ञात करना होगा। वक्री सतह पर अभिलंब समझने के लिए आइए हम दिया गया क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 3। एक रबर का छोटा सा बॉल लें और इसे एक ही अनुप्रस्थ तल से दो समान भागों में काट लें। बॉल के बाहरी वक्री सतह पर एक सीधी रेखा में कुछ ऑल पिन लगा लें, जैसा चित्र में दिखाया है। ये सभी पिनें बॉल के तल के अभिलंब लगाई गई हैं। ऑल पिनें दूर फैलती अपसरित होती नजर आएंगी। अब यदि हम बॉल के अंदर की सतह पर ऑल पिनें लगाएं तो आप क्या देखते हैं? बॉल पर अभिलंबित ये सभी ऑल पिनें एक बिंदु पर मिलती अभिसरित होती नजर आती हैं। इस क्रियाकलाप द्वारा हम जान सकते हैं कि गोली सतह पर अभिलंब की दिशा क्या होती होगी। उत्तल दर्पण बॉल के बाहर की सतह के समान है। चित्र 4 अ, जबकि अवतल दर्पण बॉल के अंदर की सतह के समान है। चित्र 4 ब, अवतल सतह में सभी पिने एक बिंदु पर मिलती नजर आती हैं, जिसे वक्रता केंद्र कहते हैं। ज्यामिति के अनुसार किसी वक्र के केंद्र बिंदु से वक्र के सतह पर पड़ने वाली रेखा सतह पर लंबवत होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि वक्रीय दर्पण के वक्रता केंद्र से दर्पण के किसी भी बिंदु पर खींची गई रेखा वक्रीय दर्पण पर अभिलंब होती है। चित्र 5। चर्चा करें। क्या आप बता सकते हैं कि अवतल दर्पण पर पड़ने वाली समांतर किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई जबकि उत्तल दर्पण में एक बिंदु से फैलती हुई नजर आती हैं, क्यों? प्रकाश किरण S के लिए अभिलंब से बना आपतन कोण I अभिलंब से बने परावर्तन कोण R के बराबर होता है। कोण I बराबर कोण R।